व्लॉग आप सब कैसे हो। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की मैं जो वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं अपनी लिपस्टिक की कलेक्शन से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक की बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आई है, बहुत ही यूनिक कलेक्शन आई है जो आप गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं लिपस्टिक की कलेक्शन से। गाइस आप देख सकते हो मेरे पास जो हिलारी डुड्डा की लिपस्टिक्स आई हैं, जो मैट में है एंड नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है और मैट फिनिश में है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग। गाइस आप देख सकते हो ये स्मॉल स्मॉल पाउचेस हैं, बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है, नॉन ट्रांसफर है। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। सो गाइस आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत अमेजिंग है, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, लॉन्ग वेयर है और वाटरप्रूफ लिपस्टिक है। इसकी जो MRP है ओनली 80 रुपीज है, आपको ओनली 80 रुपीज में मिल जाएगी हिलारी डुड्डा की, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। आपको इस लिपस्टिक में आपको दो शेड्स मिल जाएंगे, एक न्यूड शेड मिल जाएंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल न्यूड शेड है, और इसमें आपको कुछ डार्क शेड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप देख सकते हो इसमें डार्क शेड्स भी हैं, और बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है, लॉन्ग आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है। इसमें आपको दो शेड्स मिल रहे हैं ओनली 80 रुपीज में। जी हाँ, ओनली 80 रुपीज में आपको इतने प्यारे प्यारे शेड्स अवेलेबल हो जाएंगे नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स में। गाइस अब मैं आपको दूसरी लिपस्टिक दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आपको लिक्विड लिपस्टिक मिल जाएगी एंड हल्का सा ग्लॉस भी मिल जाएगा, आपको 2-in-1 लिपस्टिक मिल जाएगी। अगर हमारे विंटर्स में जो हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं उसको थोड़ा सा ग्लॉस रखेगा, आपको 2-in-1 चीज मिल रही है एक ही लिपस्टिक में। मैं आपको दिखाती हूँ उसका टेक्स्चर कैसा है। आप देख सकते हो 2-in-1 लिपस्टिक है, यहाँ पे जो है ग्लॉस है, यहाँ पे जो है लिपस्टिक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये लिपस्टिक है, इसमें ग्लॉस है एंड इसमें लिपस्टिक है। सो गाइज आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ टेक्सचर, बहुत ही क्रीमी लिपस्टिक है, लॉन्ग वेयर है, और इसी के ऊपर आप जो ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हो जो इसके पीछे दे रखा है। जैसे किसी को विंटर्स में ड्राई लिपस्टिक पसंद नहीं होती, तो आप इसी के ऊपर जो है ग्लॉस भी लगा सकते हो, इससे जो आपकी लिपस्टिक इससे आपकी लिपस्टिक में थोड़ी शाइनिंग आएगी और थोड़ा सा ग्लॉस बना रहेगा। आपको ये ओनली 40 रुपीज में मिल जाएगी 2-in-1 लिपस्टिक, ओनली 40 रुपीज में। आपको इसमें जो है सारे डार्क शेड्स मिल जाएंगे 2-in-1 लिपस्टिक में, और ये स्टार्ट है ओनली 40 रुपीज में। सो आप अगर इसको खरीदना चाहते हैं, सो आप हमारे स्टोर पे विजिट भी कर सकते हो एंड आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। सो गाइस हमारे पास लिपस्टिक की कलेक्शन आती ही रहती है, क्योंकि मैं लिपस्टिक की बहुत ही बड़ी शौकीन हूँ। सो मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, सो मुझे लिपस्टिक की कलेक्शन रखना भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं लिपस्टिक की कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग रखती हूँ और बहुत ही यूनिक रखती हूँ। मैं आपको शुगर के कुछ न्यू प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जो मेरे शॉप में मैंने ऐड कर रखे हैं, न्यू प्रोडक्ट शुगर के। सो मेरे पास आप देख सकते हो, मेरे पास जो है कुछ फाउंडेशंस है शुगर के, आप देख सकते हो, जिसमें आपको 4 शेड अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाएंगे, 01, 02, 03 एंड 04। इसमें जो चारों शेड्स है बिल्कुल डिफरेंट शेड है। गाइस 01 शेड है, इसका जो शेड है कैश्यू है, एंड 02 शेड है, आपको 02 शेड मिल जाएगा, 03 शेड मिल जाएगा आपको, एंड 04 शेड मिल जाएगा। सो गाइस मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ टेस्टर्स हैं इसके, आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे है। गाइस 01 शेड है, इसका जो शेड है कैश्यू है, एंड 02 शेड है, आपको 02 शेड मिल जाएगा, 03 शेड मिल जाएगा आपको, एंड 04 शेड मिल जाएगा। सो गाइस मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ टेस्टर्स हैं इसके, आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे है। गाइस मेरे पास जो है 01 का टेक्सचर है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिगमेंट कैसा है, एंड ये वाटर प्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। सो गाइस आप देख सकते हो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लॉन्ग वेयर है एंड वाटरप्रूफ है, मैट फिनिश में आपको मिलेगा, फुल HD कवरेज में मिलेगा आपको, ये देख सकते हो आप।
इस वाले स्किन टोन में एंड इस वाले में देख सकते हो कितना डिफरेंस है गाइस, आपको खुद देखने में पता लग रहा होगा बहुत ही डिफरेंस है। तो गाइस शुगर के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ शुगर का 01 शेड, क्योंकि ये मेरे कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल मैच होता है, क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है और ये 01 शेड जो है बिल्कुल सूट होता है ये मेरे फेस पे। सो गाइस पहले मैं जो लैक्मे का यूज करती थी फाउंडेशन, लेकिन जब मैं वो फाउंडेशन यूज करती थी तो फटने लगता था। सो जब से मैंने शुगर का फाउंडेशन यूज करने लगी हूँ तो मेरा जो मेकअप है वो पैची नहीं होता, बिल्कुल लॉन्ग वेयर रहता है। एंड मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाती, प्राइमर भी यूज नहीं करती, बस एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ एंड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जस्ट ये अप्लाई कर लेती हूँ। सो मेरा ये 12 घंटे तक इसका स्टे रहता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग सीरियसली गाइस, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप यूज करोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा, बहुत ही अमेजिंग है ये। शुगर के प्रोडक्ट सारे अमेजिंग ही है, ऑब्वियसली शुगर का नाम है इतना। सो इसमें आपको 4 शेड्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड जो सबसे बिगेस्ट थिंग है, अगर मेरे शॉप में कोई भी कस्टमर फाउंडेशन लेने आता है सो मैं उनको टेस्ट करवा के देती हूँ, क्योंकि कई बार कस्टमर्स ले जाते हैं तो उनको सूट नहीं होता। सो हमारी मार्केट में ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, जो शॉपकीपर हैं वो मतलब कि फाउंडेशन टेस्ट करवा के नहीं देते हैं, बस अगर कोई कस्टमर उनके शॉप पे जाता है तो वो शेड नंबर बता देते हैं कि हमें इस शेड का चाहिए, लेकिन कई बार जो है फाउंडेशन सूट नहीं करता उनको। सो अगर मेरे शॉप पे कोई भी कस्टमर आता है तो मैं उनको टेस्ट करवा के ही देती हूँ ताकि उन पे सूट हो जाए। और जो इसकी जो शुगर की जो क्वालिटी है वो वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है, मैट फिनिश पे है। एंड इसका जो MRP है 399 की है। जी हाँ, 399 में आपको इतनी अच्छी कवरेज मिल रही है और वाटर प्रूफ मिल रहा है आपको फाउंडेशन। फ्रेंड्स ये था मेरी शॉप का 3rd ब्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। फ्रेंड डेली कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आपके लिए नई नई चीजें लाती रहूंगी, ऐसे ही मैं अपडेट टू अपडेट करती रहूंगी एंड यूनिक चीज़ें भी दिखाऊंगी। अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं अपने मॉर्निंग के ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक एंड कमेंट एंड